बारिश के बाद अब रिजर्व डे के दिन भी बदल गया। आईपीएल 2023 के फाइनल का समय, अब इतनी बजे शुरू होगा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला पहले दिन बारिश की वजह से टल गया है और अब रिजर्व डे के दिन भी इस मुकाबले का समय में बदलाव कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा और साथ ही इस मुकाबले की प्लेइंग कंडीशन क्या होगी। अगर आज एक बार फिर बारिश हुई तो फिर मुकाबले में कौन सी टीम विजेता होगी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो साथ ही दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी बताएंगे। तो दोस्तों, तमाम जानकारी जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते कि आज आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके चैंपियन बने तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों, पहले दिन तो मुकाबला नहीं हो सका और इसको पोस्टपोन करके अब आज के दिन पर चला दिया है, यानी कि रिजर्व डे के दिन ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आज के मुकाबले में भी कल की तरह ही बारिश होती है तो फिर यहाँ पर गुजरात टाइटंस के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आज भी मुकाबला नहीं होता है तो फिर यहाँ पर चैंपियन बन जाएगी गुजरात टाइटंस, क्योंकि पॉइंट टेबल में वो टॉप पर थी। लेकिन दोस्तों, आज के मुकाबले के लिए कई कंडीशन हैं। मुकाबला सबसे पहले यहाँ पर पूरा होने की संभावना है। अगर मुकाबला पूरा नहीं होता है तो फिर 12:05 रात के इस मुकाबले में आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है और यहाँ पर 5-5 ओवर का मुकाबला होगा। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो रात के 1:20 तक सुपर ओवर से इस मुकाबले का नतीजा आज निकाला जाए। यानी कि दोस्तों, पूरी संभावना है कि खेल चाहे कमी हो लेकिन इस मुकाबले का नतीजा जरूर निकलेगा। वहीं पर अब हम जानते हैं इस मुकाबले के शुरू होने के समय की कि आखिरकार यह मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा। तो दोस्तों, आज एक बार फिर इस मुकाबले को जीतकर दोनों टीमें चैंपियन बनने के हिसाब से मैदान पर उतरने वाली हैं। हार्दिक पांड्या होम एडवांटेज का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जबकि महेंद्र सिंह धोनी के लिए तो हर ग्राउंड ही होम ग्राउंड होता है। तो दोस्तों, आज के मुकाबले के समय की बात करें तो आज का मुकाबला शाम के 7:30 पर ही शुरू होगा, यानी कि 7 बजे टॉस होगा और 7:30 पर मुकाबला शुरू होगा। बारिश की संभावना की बात करें तो आज 10% चांस है कि बारिश हो सकती है, यानी कि दोस्तों उम्मीद है कि आज हमें पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं पर अब हम जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे हमें शुभमन गिल, तो उनके साथ रिद्धिमान शाह होंगे। इन दोनों खिलाड़ियों से यहां पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की टीम को उम्मीद होगी। तो वहीं पर नंबर 3 पर साई सुदर्शन खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 4 पर कप्तान हार्दिक पांड्या उतरेंगे। तो वहीं पर दोस्तों, नंबर 5 पर विजय शंकर खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 6 पर डेविड मिलर उतरने वाले हैं। वहीं पर नंबर 7 पर टीम की तरफ से राशिद खान उतरेंगे, तो नंबर 8 पर राहुल तेवटिया उतरने वाले हैं। नंबर 9 पर खेलते हुए नजर आएंगे मोहित शर्मा, तो नंबर 10 पर नूर अहमद उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 11 पर मोहम्मद शमी उतरेंगे। जबकि इस टीम के इम्पैक्ट प्लेयर की हम बात करें तो वो जोसवा लिटिल होने वाले हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो सीएसके की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ होंगे डेविन कॉनवे। दोनों खिलाड़ी कमाल की शुरुआत कर सकते हैं। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे हमें अजिंक्य रहाणे, तो नंबर 4 पर शिवम दुबे उतरेंगे। नंबर 5 पर अंबाती रायडू उतरने वाले हैं, तो नंबर 6 पर रविंदर जडेजा उतरेंगे। नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी उतरेंगे, तो नंबर 8 पर मोइन अली उतरने वाले हैं। वहीं पर नंबर 9 पर दीपक चहर उतरेंगे, तो नंबर 10 पर तुषार देशपांडे व नंबर 11 पर महेश दीक्षिणा उतरने वाले हैं। वहीं पर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मतीसा पथी राणा उतरेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम आज चैंपियन बनेगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।